स्वागत है दोस्तों आपका कंफ्यूजन 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ बिहार पुलिस से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। हाल ही में जो बिहार पुलिस 11,880 सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया था और उसका जो पेट का एग्ज़ाम था यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो उसका भी डेट जारी कर दिया गया है, अनाउंस हो चुका है। और आपका कब से आप पेट के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जिनका भी पीटी में सिलेक्शन हो गया था, उसके लिए फिर पेट का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है जो भी सिपाही भर्ती परीक्षा में पास हुए थे। तो पेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया हो और डेट आ चुका है, और कब से पेट का आप लोग का परीक्षा लिया जाएगा उसका भी डेट जारी कर दिया गया है। तो चलिए पूरा न्यूज़ देखते हैं कि क्या है इसमें न्यूज़ और कब से आपका बिहार सिपाही का जो फिजिकल दक्षता परीक्षा है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, वो कब होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल PET 2020 केंद्रीय चयन पर्षद CSBC ने 11,880 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा के अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा PET की तिथि जारी कर दी है। CSBC ने घोषणा की है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 जुलाई से शुरू होगी। तो बहुत जल्द ये शुरू हो रहा है और आप लोग के पास करीब करीब एक महीने से भी कम का समय है, तो आप लोग अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से करना शुरू कर दें दक्षता परीक्षा में। और यहाँ पे कहा गया है कि PET के एडमिट कार्ड कल यानी कि 21 जून दोपहर 12 बजे जारी होंगे, यानी कि जिनका भी PET में, जिनका भी इस परीक्षा में सिलेक्शन हो चुका है, वो अपना PET का एडमिट कार्ड 21 जून को दोपहर 12 बजे के बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी csbc.bih.nic पर, इस वेबसाइट पर आप लोग जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अगर कोई समस्या आ रही है, तो वह 13 जुलाई या 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच CSBC ऑफिस हार्डिंग रोड पटना आकर एडमिट कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। तो अगर आप लोग का डाउनलोड नहीं होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे बता दिया गया है। PET शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग पटना, पिन कोड इतना है, आयोजित की जाएगी। कोई भी एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा। तो ये सेंटर है आप लोग का, इस सेंटर पे आप लोग का PET की टेस्ट लिया जाएगा। परिषद ने लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर शारीरिक परीक्षा के लिए कुल रिक्त पदों से 5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया है, यानी कि 58,264 अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट शारीरिक योग्यता में 3 स्पर्धाओं, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर बनेगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पे साफ साफ कह चुका है कि जो भी मेरिट बनेगा वो दक्षता परीक्षा के हिसाब से ही बनेगा। आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेंस आपका लिखित परीक्षा में कितने अंक आए थे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वह अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में अवधि विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। तो ये था दोस्तों पूरा न्यूज़। और आप लोग को इसके पहले जो मैंने वीडियो बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, वो भी आप लोगों को मैंने बता चुका था अपने पिछले बिहार सिपाही के जो जब रिजल्ट आया था तो उसका जो मैंने वीडियो बनाया था, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि वो आपको पता होगा। वैसे भी आप इस फोटो वीडियो में देख सकते हैं, स्क्रॉल करके मैंने दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या खोजा जा रहा है। तो ये सारा कुछ है इसमें डिटेल्स, और ये पहले भी मैंने बता चुका है, तो इस पर अब ज़्यादा नहीं आते हैं, आप लोग को यही अपडेट देना था। तो कृपया करके अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें विभिन्न तरीके का जानकारी दिया जाता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, तो मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच सकेगा और आप समय रहते उस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।